आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर जमानत नहीं मिल पाई है। हाई कोर्ट ने लालू की याचिका पर 1.5 महीने तक के लिए सुनवाई टाल दी है। खबरों के मुताबिक लालू के वकील ने सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी। दरअसल इससे पहले चारा घोटाले के 4 विभिन्न मामलों में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले सीबीआई ने झारखंड उच्च न्यायालय में गुरुवार को एक पूरक शपथ पत्र दाखिल किया। सीबीआई ने शपथ पत्र में कहा है कि लालू ने लगातार जेल नियमावली का उल्लंघन किया है और उनकी तबीयत भी अस्थिर है, इसलिए उन्हें रिम्स से बिरसा मुंडा जेल भेज देना चाहिए। आपको बता दें कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी लालू यादव ने हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की थी। न्यूज़ डेस्क।